भोर में उठ करके हिमाता भूमि पुत्र हम पृथ्वी धरती माता को प्रणाम करता हूँ, मातृ पितृ सत्ता को, गुरु सत्ता को, गुरु परंपरा ऋषि परंपरा को, भगवान को प्रणाम करके ऐसी आदत बनी हुई है। आप भी ऐसे ही अपना स्वभाव बनाओ, भोर में उठ करके संकल्प लो, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ, मैं भगवान राम और कृष्ण का ऋषियों का वंशज हूँ और मैं ऋषियों के पथ पर ही चलूंगा, वेद की सनातन के पथ पर ही चलूंगा, योग कर्म योग करूंगा, पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ आगे बढ़ूंगा। कायर सके न झेल फकीरी अलबेलारो खेल। कई बार मैंने भजन गाया, अभी वक्त नहीं है क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना आपको। वीरता के साथ जियो, पराक्रम के साथ जीवन को जियो, विनय के साथ, निवृत्ति प्रवृत्ति अभ्युदय श्रेयस के साथ जीवन को जियो, योग और कर्म योग के साथ जीवन को समग्रता के साथ, इंक्लूसिव योग प्रैक्टिस के साथ में इंक्लूसिव लाइफ का भी मंत्र देता हूं आपको। तुम कह रहा था तुम छोटी छोटी बीमारियों से हार मान जाते हो, ये कोई बीमारी है? बीपी शुगर थायराइड कोई बीमारी है? कपालभाति उज्जायी सिंहासन, थोड़ा सर्वांगासन हलासन मत्स्यासन और कुछ नहीं तो यही अभ्यास, थोड़ा गले को टाइट करके ये कर लो, ये पॉइंट दबा लो। क्या है? थायराइड की बीमारी। थोड़ा थायरोग्रिट ले लिया, धनिया का पानी पी लिया, थायराइड ठीक। वात के लिए 10 उपाय आपको बताते, उपवास कर लो वात रोग ठीक, उपवास से, उपवास और उपासना से आप वात पित्त कफ तीन दोषों को ठीक कर सकते। लो उपवास के साथ साथ कभी भूख लगी थोड़ी तो एटीएम की सब्जी ले ले, एलिवेटर मिल्क मेथी की, थोड़ा मिलेट से ले लिए, ये गेहूं चावल खाना बंद करो, पीड़ानील पे पियो, पीड़ानील घोल लो, ऑर्थोग्रिट ले लो। अंदर से शरीर टूट फूट हो गया, बहुत नुकसान हो गया शरीर का, बोलते ना कि अंदर से डिफॉर्मेशन बहुत होता है, अंदर से टेढ़े मेढ़े हो गए ऐसे, इधर ये टूट फूट होगी, इधर टूट फूट होगी, ये कार्टिलेज घिस गई, हड्डी घिस गई, ये बढ़ गई, ये 10 तरह की चीज़ें बताते हैं कि अर्थराइटिस में आर इफेक्ट बढ़ गया, सी आर पे बढ़ गया, ए एन ए ए वी एन एच एल बी 27 बढ़ गया, ई एस आर बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, इन्फ्लेमेशन अंदर बढ़ गया, फिर अंदर उससे दर्द बढ़ गया, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टियोकास्ट का इंबैलेंस, उनसे बोन फॉर्मेशन बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ हो गया, ये जितने भी गड़बड़े घोटाला है ये सब ठीक हो जाएगा। कपालभाति अनुलोम विलोम ठीक से कर लो, ऑर्थो केयर खा लेना, थोड़ा सा दही छाछ नींबू चाट टमाटर खटपट चटपट से थोड़ा दूर रहना, अपने आप बात रोग ठीक हो जाता। बताओ